हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज मासुमा एंड आज शिफा आपकी नहीं, आज मैं हूँ उनकी जगह। तो आज हम लोग बना रहे हैं आम पन्ना, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर तीन बड़े बड़े कच्चे आम ले लिए हैं और एक हम लोग ने मिर्ची ले ली है। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी अदरक ले लेंगे, ठीक है। सो अब हम लोग ये कच्चे आम और ग्रीन चिली और ये जो लहसुन अदरक है वो हम लोग डाल देंगे इस कुकर के अंदर। अब हम लोग थोड़ी सी सॉल्ट ले लेंगे और पानी ले लेंगे। हम लोग ने शायद पानी इधर दो ग्लास के करीबन ले लिया। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने इसे गैस के ऊपर लगा दिया और हम लोग अब इसे दो सीटी आने तक पका लेंगे। अच्छे से दो सीटी आने देंगे हमें। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरी यहाँ पर दो सीटी आ गई है। अब हम लोग इसकी गैस निकालते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इसको बहुत अच्छे से दो सीटी में देख सकते हैं कितने ज़्यादा सॉफ्ट और ये बहुत अच्छे से। अगर आप चाहें तो छिलका निकाल के भी इसे बॉईल कर सकते हैं, बट ये अपने आप ही छिलके निकल जाएंगे दो सीटी में, तो आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इसकी सारी गुठली निकाल ली। यहाँ पर मैंने अलग से कर दी गुठली और मैं आपको एक ट्रिक बता। सो फ्रेंड्स, ये जो आम के हम लोग ने ये छिलके निकाले ना, ये इतने टेस्टी लगते हैं। आप इसमें नमक और मिर्ची डाल के खाएगा, आपको मज़े आ जाएंगे। तो ये मैंने आपको बताई एक ट्रिक, ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अब हम लोग आगे प्रोसेस पर चलते हैं। ये आधा चम्मच कुटा हुआ जीरा है, अब हम लोग इसको डाल देंगे इसमें। ये काला नमक है हमारे पास और ये हम लोग इसमें पुदीने डाल दे रहे हैं। ये हमारे पास है यहाँ पर काली मिर्च, हम लोग ने आधा चम्मच ही डाल दिया काली मिर्च। तो अब हम लोग इसमें रेड चिली पाउडर डालेंगे आधा चम्मच और थोड़ा सा सॉल्ट। अब हम लोग ये जो सब डाला है ये हम लोग इसको ग्राइंडर में डाल के, यहाँ पर ग्राइंडर में हम लोग ने डाल दी और यहाँ पर अब हम लोग पानी डाल देंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग इसे ग्राइंड कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, जो हम लोग ने जो अम्बिया हम लोग ने वो की थी, गलाई थी, तो हम लोग ने ये वाला जो पानी है वो हम लोग इसी में डाल दे रहे हैं। काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है इससे उसका भी, तो हम लोग ने ये डाल दिया। तब हम लोग यहाँ पर बर्फ़ डाल देंगे और ये हम लोग ने थोड़ी कूट लिया ऐसे करके, आप देख सकते हो कूट लिया। अब हम लोग इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, आपको जितना मीठा चाहिए आप चीनी डाल सकते हैं। हम लोग ने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डाल दी। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा खट्टा पसंद है तो आप चीनी बहुत कम डालेंगे। और अब हम लोग इसको फिर से ग्राइंड करेंगे। तो अब हम लोग इसे ग्लासेस में डाल देंगे। और अब हम लोग इसमें बर्फ़ डाल देंगे। बर्फ़ से बहुत अच्छी लगने लग जाती है, ठंडी ठंडी सी, और आम पन्ना तो ठंडे पीने में मज़ा आता है। और अब हम लोग इसमें थोड़ी सी पुदीना डाल देंगे ऊपर से। और आप देख सकते हैं हमारा आम पन्ना बहुत अच्छे से रेडी और बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। और अभी हम लोग इफ्तारी में पियेंगे और बहुत मज़ा आएगा। आप देख सकते हैं कितने अच्छे लगेंगे। और ठंडा ठंडा ही पीजिएगा, फिर वो अगर आइस पिघल गई तो मज़ा नहीं आएगा। तो आप इस वीडियो का, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसे और वीडियो के लिए और कमेंट भी कर दीजिएगा। थैंक यू।